हेलो दोस्तों, राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय अपना जो टॉपिक चल रहा है सीमेंट, इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में सीमेंट को बांटा गया है, सीमेंट को बनाने के लिए कौन कौन से कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीजें आपको बताए थे। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे सीमेंट का निर्माण कैसे करते हैं। आपको मौखिक रूप से हम बता देना चाहते हैं कि सीमेंट बनाने के लिए दो विधि अपनाई जाती है, पहली विधि सूखी विधि, दूसरी गीली विधि। लेकिन दोनों विधि से सीमेंट निर्माण किया जाता है, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो प्रोसेस होते हैं, दोनों विधि में सेम होते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है सीमेंट का निर्माण। सीमेंट का निर्माण दो विधियों द्वारा किया जाता है, पहला सूखी विधि, दूसरा गीली विधि। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं दो विधि होती है, पहला सूखी विधि, दूसरा गीली विधि। सीमेंट बनाने के लिए तीन प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, या तीनों प्रक्रिया गीली और सूखी विधि में अपनाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? पहला मिलाना, जो भी कच्चे पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको मिलाया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस जो होता है, अगला स्टेप होता है, वो पकाना या जलाना। इसको भट्टियों में डालकर पकाया जाता है। अब अगला जो लास्ट स्टेप होता है, अंतिम चरण जो होता है, वो पिसाई करना होता है। जो पदार्थ मिलाकर पकाकर निकलते हैं तो उसको पिसाई किया जाता है। तो यहाँ पे तीन प्रोसेस अपनाए जाते हैं, मिलाना, पकाना और पिसाई करना। मिलाना, चूने पत्थर और मिट्टी, जो भी कच्चे पदार्थ होते हैं उन्हें अलग अलग तोड़कर, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, अर्थात भट्टी में डाल दिया जाता है। उसके बाद ये पहली प्रक्रिया पूरी हो जाती है। दूसरी प्रक्रिया जो भट्टी में डाली जाती है वो होती है, इन्हें पकाने के लिए घूर्णी भट्टी में भेजा जाता है। यह जो मिलाने के बाद घूर्णी भट्टी में भेजे जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्लिंकर बोलते हैं। जिनकी साइज 5 से 10 mm होती है, अब अगला स्टेप जो होता है, अंतिम चरण जो होता है, इसको बनाने के लिए पिसाई करना। सारे चीज तैयार हो जाते हैं, फिर इसकी पिसाई होती है। पिसाई सीमेंट अंतिम चरण होती है, इसी समय इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। पिसाई करने के बाद जो भी पदार्थ होते हैं उनकी अच्छी महीन पिसाई कर लेते हैं, उसके बाद इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम सीमेंट के जमाव काल को बढ़ा देता है। अब देखिए विधि कौन कौन सी थी, दो विधि थी, शुष्क विधि और गीली विधि। शुष्क विधि देखिए, इसमें सबसे पहले कच्चे माल को, जैसे चूना पत्थर आदि जो भी हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग करके चूर्ण बना लिया जाता है। उसके बाद ट्यूबवेल में इन्हें डालकर पिसाई कर लेते हैं। उसके बाद मशीन के द्वारा उचित अनुपात में कच्चे माल का मिश्रण किया जाता है। अब गीली विधि देखते हैं, सारी प्रक्रिया वही होती है। गीली विधि में खाली इसमें थोड़ा सा पानी का मिश्रण कर लिया जाता है, ज्यादा नहीं, हल्का गाढ़ा पेस्ट बना लिया जाता है। सबसे पहले पदार्थ को चूर्ण करके, पीस करके टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। पदार्थ को पानी में अच्छी तरह मिलाया जाता है, ऐसा नहीं पानी की मात्रा ज्यादा कर देते, नहीं, एक पेस्ट तरीके से बन जाए वहीं तक उसको पानी मिलाते हैं। उसके बाद इसे मिल में डाल देते हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं घोड़ी भट्टी कैसे होता है, मिल में कैसे मिलाया जाता, डाल के कैसे बनाया जाता है। ये आपका यहाँ पर कच्चे माल को जो मिश्रण करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके इकट्ठा किया जाता है, तो यहाँ से कच्चा माल डाला जाता है। ये आपका यहाँ से अंदर जाता है, ये घूर्णी लगी रहती है जो हमेशा घूमती रहती है। अब यहाँ से बर्नल लगा होता है। बर्नल किस काम आता है? जैसे आप
पानी मिलाए हुए हैं, जितने भी मटेरियल है उसमें पानी दे, उसको गर्म हवा देकर सुखाया जाता है, इसीलिए बर्नल मिलाया जाता है। हवा यहाँ से होता है, यहाँ से सप्लाई होता है, फिर आकर यहाँ से क्लिंकर, जो हम बताएं अभी आपको कि जो सीमेंट को सीमेंट के पदार्थों को मिलाने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त होता है उसे क्लिंकर कहते हैं। ये यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से निकलने के बाद अब अंतिम चरण आता है पिसाई का। अब इसको मिल में डालकर पिसाई कर लेते हैं। सीमेंट के उपयोग, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जिससे ये आना तय रहता है कि सीमेंट का उपयोग कौन कौन सी जगह पे करते हैं। आइए देखते हैं, सीमेंट के उपयोग से मसाला, चिनाई कार, प्लास्टर एवं टिप आदि किया जाता है, जैसे भवन निर्माण में या पुल निर्माण में इसका मसाला के रूप में, बंधक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। सादा सीमेंट कंक्रीट बनाने में, सादा सीमेंट कंक्रीट बनाने में इसको सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। प्रबलित कंक्रीट के लिए सादा, अच्छा ये समझ लीजिए, एक सादा सीमेंट कंक्रीट क्या होता है और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट उसे कहते हैं जिसमें प्रबलन डाल दिया जाता है। प्रबलन किसे कहते हैं? इस्पात को, छड़ को, राड को। तो अगर जिस कंस्ट्रक्शन या जिस संरचना में सरिया को डाल दिया जाता है उसे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, और जिसमें नहीं डाला जाता है उसे सादा सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। चौथा नंबर, भवनों के दीवार, सीढ़ियों, छत, फर्श आदि के कार्यों में सीमेंट का उपयोग भवनों के दीवार, सीढ़ियों, छत, फर्श आदि बनाने के लिए किया जाता है। जलीय संरचनाओं के निर्माण में, भंडारण कक्षों के निर्माण में, जैसे किसी भी सामग्री का भंडारण करने के लिए गोदाम बनाने के लिए उसमें सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। आप ईंट, बालू आदि का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन बंधक के रूप में आपको सीमेंट का प्रयोग अवश्य करना होता है, नहीं तो वो एक दूसरे में बंध नहीं पाते हैं, मजबूती नहीं बन पाती है। सड़क, स्लीपर, खंभों, रनवे आदि के निर्माण में, जैसे सड़क बनाने में और उसके बाद रेलवे की पटरी जिसपे फैलाई जाती है, जिसपे बिछाई जाती है, जिसके ऊपर बिछाई जाती है उसे स्लीपर कहते हैं, उसको भी आज के समय में सीमेंट कंक्रीट से ही बनाया जाता है, जो बंधक के रूप में सीमेंट का मिलाना बहुत जरूरी होता है। इसके पहले, बहुत पहले इसका स्लीपर का उपयोग जो होता था वो लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। चिमनी बनाने में, जैसे किसी भी कल कारखाने के धुएं को निकालने के लिए उसको अधिक ऊंचाई तक ले जाकर निकाला जाता है, जो चिमनी बनाई जाती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। न्यू पाइलों के प्रयोग में, जैसे किसी भी भवन या किसी भी कंस्ट्रक्शन को बनाने से पहले उसके न्यू का निर्माण कहते हैं, उसमें भी इसका उपयोग होता है। आप सीमेंट के जितने भी बातें हम आपको बताए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, एग्जाम में पूछे जाने वाले यही सारी चीजें हैं। धन्यवाद।